हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और स्वागत है आपका टॉप 10 क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज अपने क्लास 11th के एनसीईआरटी के सिलेबस को ओवरव्यू को जानेंगे। तो चलिए हम आज आप लोग क्लास 11th का सिलेबस का ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को क्लास 9th के सिलेबस का ओवरव्यू को दिया था और इसके बाद हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी को एग्जाम्पलर को हल कर रहे थे और अब हमारा 11th का जो हमारा सब्जेक्ट मैथ है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और जानते हैं आज हमारे 11th में जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि जो हमारा कोरोना के कारण हमारी बच्चे जो हमारी क्लासेस थी वो हमारे क्लासेस से कुछ हमारा सिलेबस को कम कर दिया गया था, लेकिन इस साल हमारा 2022 और 23 का सिलेबस पूरा फिर से किया जाएगा, जो कि हमारे क्लास 11th का हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ चैप्टर हैं जिनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे और उनके बारे में हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो क्लास 11th का सिलेबस है उसको हमें किस तरह से पढ़ना है। अगर आप लोग कक्षा 9th और 10th का सिलेबस को अच्छे से पढ़े होंगे तो हमारा 11th का सिलेबस भी आप लोगों को काफ़ी से अच्छा समझ में आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जो हमारा 11th का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं जो हमारा 2022 और 2023 का सिलेबस है उसमें हमें हमारे 100% सिलेबस को ऐड कर दिया गया है। तो जिस प्रकार हमारे पाठ का हमारा पहला सिलेबस का पाठ का जो हमारा पाठ का नाम है वो हमारा है समुच्चय के अंतर्गत हम समुच्चय को पढ़ेंगे, उसके परिचय को पढ़ेंगे और उसमें बहुत से उसके प्रकार को पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है संबंध एवं फलन। तीसरा पाठ का नाम हमारा है त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति परिचय कक्षा आप लोग कक्षा 9th से पढ़ रहे हैं और हमारा जो क्लास 11th का होगा और थोड़ा और हाई क्वालिटी का होगा, थोड़ा आपसे उससे हाई होगा। और इसके बाद हमारा क्लास 12th में आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा पाठ 4 जो है गणितीय आगमन का सिद्धांत है। पाठ 5 हमारा सम्मिश्र संख्याएं और दो घात समीकरण है, इसका परिचय पढ़ेंगे। और जो हमारा दो घात समीकरण है आप लोगों के क्लास 10th में था, आप लोग वहां पर काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। और इसके बाद हमारा अगला चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण, यहाँ पर रेखाओं के समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो अगला चैप्टर है क्रमचय और संचय, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके जो चैप्टर हैं चैप्टर वाइज हम लोग आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। हमारा यहाँ पर जो हमारा सॉल्व होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद हमारा आता है दो पद प्रमेय जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप आगे की पढ़ाई भी पढ़ना चाहेंगे तो द्विपद परिमेय जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप इसको समझ में आएगा। इसके बाद हमारा 9th चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। इसके बाद हमारा 10th चैप्टर का नाम है सरल रेखाएं। इसके बाद हमारा 11th चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद जो कि हमें पढ़ना है। हमारा 12th चैप्टर का नाम है त्रिविमी ज्यामिति का परिचय, जो हमारा 12th चैप्टर है यहाँ पर इसको हमें त्रिविमी का ज्यामिति का परिचय को पढ़ना है। और उसके बाद हमारे 12th में यहाँ पर 2D 3D डायमेंशन, वहाँ पर अच्छे काफ़ी सवाल हैं उसको हम लोग हल करेंगे। हमारा अगला चैप्टर का नाम आता है सीमा और अवकल, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो ये पार्ट है सीमा और अवकल। यह आपको अगर आप आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहेंगे, आप इंटर की परीक्षा को जो कि 72 नंबर आपको पूछा जाता है इंटर में, अगर आप इसको इंजीनियरिंग पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि हमारा सीमा और अवकल है, जो हमारा कैलकुलस के नाम से जाना जाता है, जो कि आज हमारे वैज्ञानिक क्षेत्रों में बहुत अधिक इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है गणितीय विवेचन। फिर इसके बाद हमारा आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी का प्रयोग हम लोग व्यवहार जगत में आधुनिक जो कि हमारे किया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप कक्षा 9 में स्टडी किए होंगे, कक्षा 10 में इसका स्टडी किए होंगे, 11th में भी इसका स्टडी करेंगे हम लोग और 12th में भी स्टडी करेंगे। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग डेली टू डेली अपना वीडियो को देखेंगे, डेली टू वीडियो देखने के पश्चात उसको आप डेली टू डेली एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को
जो हमारा बालाजी प्रकाशन होगा और हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा, इन दोनों चैप्टर को हम लोग हल करेंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट को पूछ सकते हैं और आपका उसका 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आप लोगों का पाठ का पूरा सिलेबस परिचय बता दिया है और हम अपना अगला हेडिंग जो है समुच्चय, जो हमारा सेट के नाम से जाना जाता है, सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय इसके बाद उसके प्रकार क्या होते हैं, उसका परिचय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा संबंध एवं फलन। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमारे इस प्रकार सारे चैप्टर हैं और आई होप आपको चैप्टर को समझ में आ गया होगा, चैप्टर में समझ में आ गया। हम लोग अगली हेडिंग में अपना सेट को पढ़ेंगे। तो देन आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा टॉपिक टू टॉपिक वीडियो का आप लोग आनंद लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।